अगर आप करंट अफेयर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर होने वाले वाकयात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर ने गाड़ी में डांस करने की वायरल होने वाली वीडियो के हवाले से खुलकर तफसीलात बयान कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अदाकारा नीलम मुनीर ने कुछ साल कबल गाड़ी में डांस करने की वायरल वीडियो के हवाले से बात करते हुए कहा कि जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दो दिन के लिए मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं सब भूल गई थी। मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो का रद्द अमल कुछ इस तरह से आएगा। नीलम मुनीर ने दौरान इंटरव्यू कहा कि वीडियो वायरल होने के चंद दिनों के बाद जब मैं लाहौर पहुंची और सुबह उठी तो मेरे जहन पर इतना दबाव था कि मैं कराची में अपना घर का एड्रेस भूल चुकी थी। मुझे 4000 के करीब व्हाट्सएप मैसेजेस मौसूल हो चुके थे जिसके बाद मैं डर गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब बेहतर रहा। नीलम मुनीर ने कहा कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये वीडियो मेकअप आर्टिस्ट ने बनाई है, जबकि अक्सर की राय ये भी थी कि मैंने ये वीडियो खुद बनाई, लेकिन असल में ये वीडियो मेरी दोस्तों ने बनाई थी और इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय मेरे अदाओं के। इसमें ना मैंने छोटे कपड़े पहने हुए थे और ना ही कोई लड़का साथ था। इन्होंने कहा कि शायद ये शोहरत मेरे नसीब में थी जो मुझे मिली, इसे चाहे अब लोग जो भी समझ